अनकेडमी दे रहा है आपको 20% ऑफ सभी अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे, और इसकी वैलिडिटी मई 19 11:59 तक है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSIR UGC नेट एग्जाम के लिए और आप क्वालिफाई करना चाहते हैं जल्दी, बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो जो है बहुत बड़े बड़े बुक्स पढ़ सके, गाइडेंस जो होता है आपको ज़रूरत है अगर, तो आप जो है अनकेडमी, जहाँ पे अनकेडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं खुद जिनका अच्छा स्कोर रहा है CSIR के एग्जामिनेशन में, वो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, वो भी कम टाइम में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपकमिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए और 20% का फ़ायदा उठाइए। और जब आप जाइएगा सब्सक्राइब करने तो वहाँ पे हमारे चैनल का कोड BOTNY10 यूज़ करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ऐसा ही सेम आपका अप्लाई होता है 20% का ऑफ NTA अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे, जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं NTA UGC नेट सेट एग्जाम्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपका क्वालिफाई हो NTA UGC नेट सेट का एग्जाम और वो भी अच्छे डिस्काउंट के साथ, तो आपके पास अच्छा मौका है 19 मई के पहले पहले 11:59 के पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और हमारे चैनल का जो कोड है BOTNY10 वो यूज़ करना मत भूलिएगा, तभी आपको 20% का जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो दोनों का, CSIR का और NTA एग्ज़ाम का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और उस पर क्लिक कीजिए। आप जो होता है जाएंगे अनकेडमी के पेज पे, जहाँ पे आप सारे प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं और 20% का फायदा उठा सकते हैं। BOTNY10 जो कोड है वो यूज करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं TGT PGT कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए और आपको डिफिकल्टी होती है फैमिलीज पढ़ने में, या आपके पास उसके लिए नोट्स नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक्स फॉलो करते हैं, या MSc एंट्रेंस भी दे रहे हैं, तो सबके लिए जो है मैंने फैमिलीज पे जो थ्योरी बन सकती थी वो मैंने आपके लिए बनाया है। आप इससे पढ़िएगा, आपका करीब 95-98% सारे क्वेश्चंस इससे लग जाएंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो होता है रैनन कुलेसी के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे तीन छोटी छोटी फैमिलीज़ के बारे में जो कि काफ़ी सिमिलर हैं रैनन कुलेसी से। पहला बात करते हैं निम्फिएसी, इसके मैंने आपको बोला कि जो मोर और लेस जो फीचर्स हैं वो रैनन कुलेसी से सिमिलर हैं। और एक जो बहुत पॉपुलर जो क्वेश्चन है इससे पूछा जाता है वो है सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है। तो दो चीज़ आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे प्लांट ही पूछ ले या पूछ ले किस फैमिली में पाया जाता है। तो प्लांट अगर पूछे तो आप बोलेंगे निम्फिया, अगर किस फैमिली में पूछा है तो आप क्या बोलेंगे, निम्फिएसी फैमिली में पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा है वो उसके बारे में पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ सकता है कि इंडियन वाटर लिली किस फैमिली से बिलोंग करता है, या वाटर लिली ही किस फैमिली से बिलोंग करता है, या विक्टोरिया मोजोनिका जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, या लोटस किस फैमिली से बिलोंग करता है। लोटस तो मान लीजिए अलग है, लोटस अभी इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, निम्फिया लोटस जो इसका सिनोनिम है नौचिलाई का वो दे दे तो आप यही लगा के आ जाएं, वो नीलम्बुनेसी से बिलोंग करता है। लोटस सैक्रल लोटस जो कि अपना नेशनल फ्लावर है इंडिया का, वो नीलम्बुनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जिसने क्वेश्चन पूछा जाए उसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। हम आते हैं अब नीलम्बुनेसी फैमिली के, तो मैंने बताया कि क्योंकि रैनेल से ही बिलोंग करता है तो जो सारे फीचर्स हैं इसके बिंतमैन होकर के अकॉर्डिंग रैनेल से बिलोंग करता है, और जो सारे फीचर्स हैं इसके निम्फिएसी से मोर और लेस सिमिलर ही हैं। यहाँ पे एक खास बात है जो इसको यूनिक बनाता है, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट जेनरा है निलंबुनेसीफेरा ही है, लोटस ही है, ठीक। तो आप देखेंगे कभी आपने लोटस का प्लांट देखा होगा तो जो इसको कार्पेल्स होते हैं ना, कार्पेल्स तो पहली बात तो जैसे स्टेमन कार्पेल्स मान लीजिए न्यूमेरस तो होते ही हैं, पर इसके कार्पेल जो होते हैं बरीड रहते हैं एक राउंड पिट के अंदर। आप देखेंगे अगर इसका वो, तो ऐसे बहुत सारे आपको इसमें टोरस देखने को मिलेगा और इसी टोरस के अंदर इनका एक एक कार्पेल रहता है, ठीक है। लोटस का प्लांट अगर आपने देखा हो, ये फ्लैट टॉप होता है, सॉलिन स्पंजी ऑफ कॉनिकल रिसेप्टिकल होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, सॉलिन रिसेप्टिकल होता है। और फ्रूट जो होता है ये टोटल अगर आप बोलेंगे तो एक ही नहीं होता है, अगर आपने एक ही नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया था एक ही क्या होता है, एक सिंगल ड्राई वो होता है, फ्रूट होता है जिसमें सीड जो होता है फ्रूट के वॉल से पूरा चिपका नहीं होता, एक ही पॉइंट से चिपका हुआ होता है। खास बात यह है कि पहले ये फैमिली है निलंबुनेसी, ये पहले जो होता है निम्फिएसी का एक सब फैमिली माना जाता था, और उसके साथ कम्बोबोइडी और निलंबोइडी मतलब था, निम्फिएसी के अंदर दो सब फैमिली थी कम्बोबोइडी और निलंबोइडी,
उसी में ये रहता था, पर अब इसको अलग फैमिली बना दिया गया है, ठीक है, पर ये अब बना दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर चौथे की बात करते हैं अगर मैग्नोलियसी फैमिली के बारे में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो तीन हैं इम्पॉर्टेंट जनरा। इसका भी मोस्ट ऑफ द थिंग जो होता है सिमिलर है प्रीवियस वन फैमिली से, जैसे कि फ्लोरल प्लांट्स इसमें क्या होते हैं, स्पायरली अरेंज होते हैं, जो भी आप बात कर लें पेटल सेटल सेपल एंडोशियम गाइनोशियम, वो सारे स्पायरली अरेंज होते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पुराने जो प्लांट्स हैं उनमें जो अरेंजमेंट होता है वो साइकिल वो होता है स्पायरली होता है, और नए में साइक्लिक होता है। साइक्लिक में एक ही जगह से सारे पार्ट निकलते हुए दिखाई देते हैं, पर पुराने में सारे पार्ट थोड़ा 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 ऊपर निकलते हैं और स्पायरल बनाते हुए चले जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अलग क्या है, निम्फियसी निलंबोनेसी रेनुगलेसी इन सब में मोस्टली आपको हर्ब्स मिलते हैं, पर यहाँ पे आपको मैग्नोलियसी में मेनली आपको ट्री या श्रब्स मिलते हैं। प्रेजेंटेशन इसमें मेनली क्या होता है, मार्जिनल होता है, ये आप याद रखिएगा। और जो सीड इनके होते हैं वो जो होता है एक थ्रेड लाइक फ्यूनिकुलस जो होता है उससे सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब फ्रूट के अंदर जब आप सीड देखेंगे तो बहुत लंबा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से वो जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए आपने मटर देखा है, मटर डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, छोटा सा एक व्हाइटिश पार्ट से जुड़ा होता है, पर इसका जो फ्यूनिकुलस होता है काफ़ी लंबा होता है, तो आप पहचान सकते हैं ये मैग्नोलियेसी फैमिली का मेंबर है। फ्रूट की अगर हम बात कर लें तो इटेरियो, जिससे मैंने बताया इटेरियो का मतलब एग्रीगेशन या ग्रुप होता है, ये ग्रुप ऑफ फॉलिकल होता है। फॉलिकल कैसा फ्रूट होता है मैंने आपसे बताया था, जो कि मटर के जैसा ही होगा, लेकिन मटर आप दो जगह से फाड़ सकते हैं, लेकिन ये आप एक जगह से फाड़ेंगे, एक उसको सूचर बोलते हैं। तो एक जगह से खुलने वाला जो फ्रूट होता है सुपेरियर ओवरी से बना हुआ मोनोकार्पली सुपेरियर ओवरी से, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो आप क्या बताइएगा, मैग्नोलिया ग्रैंडी फ्लोरा प्लांट बता दीजिएगा कि इसमें ये मिलता है फॉलिकल। या रेयरली आप देखेंगे इनडेहिसेंस समारा भी होता है, समारा जब फ्रूट विंग हो जाते हैं तो उसे समारा बोलते हैं। लिरियोडेंड्रॉन एक प्लांट है इसी फैमिली से बिलोंग करता हुआ, या तो यूनाइट हो जाता है ये फ्लेसिस सिनकार्प में, जिससे कि एरोमाडेंड्रॉन प्लांट में आपको मिलेगा। प्लांट जो होते हैं इस फैमिली के यूजली ऑर्नामेंटल ही ग्रो करते हैं, सारे निम्फियेसी निलंबोनेसी आप देखेंगे ऑर्नामेंटल पर्पज से ही लगाए जाते हैं, क्योंकि ये देखने में अच्छे लगते हैं। और मैग्नोलियेसी में जैसे कि मेनली ट्रीज या श्रब्स ही होते हैं, तो इनको टिम्बर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट जेनरा कोई आपसे पूछे, जैसे कि मैंने बोला जेनरा भी आप याद कर लीजिए, कभी कभी कुछ फीचर्स आपसे फैमिली ना देके जेनरा ही देके पूछ लेता है, ठीक। जैसे आपसे पूछा जाए अगर गाइनोबेसिक स्टाइल किस में होता है, तो ये ना पूछ के कि वो लैमिएसी में है या एपिएसी में है, वहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है कि साल्विया में है या एनीथम में है या कॉकस में है, ऐसा करके पूछ सकता है। जब आपको पता नहीं रहेगा कि साल्विया जो है लैमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं, तब तक आप इस क्वेश्चन का कैसे आंसर दे पाएंगे। तो मैग्नोलियेसी के दो इंपॉर्टेंट मेंबर आप याद रखिएगा, मैग्नोलिया और माइकेलिया, ठीक। तो अभी ये आपका कवर हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ प्रॉब्लम होती है अगर आपको एक्स्ट्रा इन फैमिलीज में जो कि मेंशन है, तो इसी वीडियो के कमेंट में करके आप मुझे वो सारे डाउट भी पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, और ये नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको ये दिया है, तो आपका ये भी जो है चार फैमिली तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट मैं जो अगले 10 to 12 डेज होंगे उसमें मैं सारी फैमिलीज आपका कवर करा दूंगा, ठीक है। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एनजी फंजाई ब्रायो ट्रेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।